जय माता दी दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सांझी माई को रंग करना और उन्हें गोबर से कैसे लगाया जाए, कैसे उन्हें सजाया जाए, जो हमने बहुत सारे पार्ट्स बनाए हैं सांझी माई के, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है दोस्तों। दोस्तों सांझी हमारी भारतीय ग्रामीण परंपरा का ही एक दर्शन है और हमें इस परंपरा को विलुप्त नहीं होने देना है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है जो सांझी माई के बारे में नहीं जानती है वो भी जान सके कि हमारे देश में ऐसी भी कोई परंपरा होती है। तो अपने बच्चों को, अपने जो भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सांझी को रंगने के लिए यूज़ कर रही हूँ गेरू, खड़िया और एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ मैं, और मेरा बेटा भी मेरी मदद कर रहा है। देखिए बच्चे यदि ऐसी परंपराओं को जानते हैं, देखते हैं, तो वो एक तरीके से रोपण करते हैं हमारी संस्कृति में जो पुरानी परंपराएं हैं उनका। तो इस तरीके से मैं सबको कलर कर लूँगी दोस्तों, तो आपको वीडियो पूरा देखना है। पुराने समय में गाँव में तो सारी नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ होता था, जैसे पीले कलर के लिए हल्दी, सफ़ेद के लिए खड़िया और लाल रंग के लिए गेरू का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अभी थोड़ा बहुत कलर अवेलेबल हैं तो हम लोग अच्छे से कलरफुल अपनी सांझी माई को बना लेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखते हैं कैसे करते हैं हम सांझी को तैयार।
दोस्तों देखिए मेरी सांझी माई एकदम तैयार हो गई हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं, क्या रूप आया है मेरी माँ का खिल करके, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। दोस्तों जब हम अपने मन से एक आकार देते हैं देवी को, तो उस पूजा का आनंद ही कुछ और होता है। लाने को तो मार्केट में भी सांझी माई की मूर्तियाँ उपलब्ध हैं, लेकिन हाथ से बनी हुई मूर्ति की बात ही कुछ और है दोस्तों। लेकिन सभी के लिए ये संभव नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, आप मन में किसी भी प्रकार की ग्लानी ना रखें। अगर नहीं बना पाते हैं, नहीं लगा पाते हैं सांझी, तो मार्केट से ही सांझी माई की मूर्ति लाएं और उनकी आराधना करें। तो दोस्तों मेरी सांझी माई आपको कैसी लगी, कैसी लग रही हैं, ये सुंदर लग रही है ना, तो इस बात को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं दोस्तों। जो आप कमेंट करते हैं उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है और इसी प्रकार की नई नई प्यारी प्यारी वीडियोस बनाने के लिए हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है। तो दोस्तों मैंने सांझी माई के जितने भी पार्ट्स बनाए थे उसकी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करी। इस प्रकार से जो भी मैं धार्मिक चीज़ें करती रहती हूँ, भारतीय संस्कृति से संबंधित, वो सभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आपको अच्छे से शेयर करना है सभी को, क्योंकि हमें इस अपनी ग्रामीण प्राचीन संस्कृति को बचाना है और इसे अपने बच्चों को बताना है, ताकि वो भी अपने बच्चों को बता सके कि हमारे भारत में ऐसी भी एक परंपरा है, देवी माँ का एक स्वरूप सांझी भी होता है। तो क्योंकि आजकल ये विलुप्त होती जा रही है, हमारे बच्चे जानते ही नहीं हैं। अब मैं ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ तो मेरा बेटा तो अच्छे से जानता है कि सांझी माई कौन होती हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप भी सांझी माई को ज़रूर तैयार करें, नहीं तो मार्केट से ला करके ही उनकी पूजा करें। इस प्रकार की चीज़ें करते रहने से हमारी धर्म संस्कृति ये सब बने रहते हैं। और अब हमने इन्हें लगा लिया है, तो अब नवरात्रों में 9 दिन तक इनकी भी पूजा होगी दुर्गा माँ के साथ में। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन उसके बाद मेहनत का फल कितना खूबसूरत होता है आप देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल ही लेती हूँ कुछ भी करके। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि।